जय हिंद। नमस्कार, मैं विराट कोहली स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो के। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जिनका जिनका पेपर हो गया, उनका एक क्वेश्चन है जिसकी पेपर कुछ हार्ड आ रहा है, वो बोला सर नॉर्मलाइजेशन के नंबर कितने बढ़ सकते हैं हमारे और कैसे बढ़ते हैं। पहले बात तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, किस किस शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जिनका पेपर पहले हुआ था उनके नॉर्मलाइजेशन के अंक ज्यादा मिलते हैं और जिनका पेपर अंतिम में होता है उनके नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम मिलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जिनका पेपर हो रहा है उनको पेपर की जो कहने का मतलब जो प्रकृति है वो समझ में आ रही है, किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पढ़ ले रहे हैं, जिससे कि पेपर को अगर जो पढ़ने वाला बच्चा उसको करने में काफी आसानी हो रही है, प्लस उनको पढ़ने का समय भी ज्यादा मिल गया है। तो इसके बारे में काफी कमेंट आते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन से नंबर किसके बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से जो नंबर बढ़ते हैं वो किस प्रकार से बढ़ते हैं और कितने नंबर तक ऊपर बढ़ते हैं। हो सकता है कि नंबर किसी के 10 भी बढ़ जाए, किसी के 15 भी बढ़ जाए, किसी के 20 भी बढ़ता किसने देंगे। सबसे पहले आपको बता भी एक दिन में जैसे 4 शिफ्ट हो रही है, ठीक है, 4 शिफ्ट हो रही है, मान लीजिए पहले शिफ्ट में 1000 बैठते हैं बच्चे, ठीक है, 1000 बच्चों के सबके किसी के मान लो 40 नंबर आए, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, 80 और आगे जाके अंत में जो औसत नंबर है, जो औसत है वो मान के चलिए कि इनकी 50 हो गया है, ठीक है। सेम दूसरी शिफ्ट में 1000 बच्चे बैठे, यानी जितने बच्चे काउंट ऑफ नंबर बैठे उनका 1000 से कम भी बैठ सकते हैं, तो उनका मान लो औसत 55 आ गया, ठीक है। तीसरी शिफ्ट में मान लीजिए फिर जो शिफ्ट हो रही है उसमें लगभग मान लो 1000 बच्चे फिर बैठे इसमें, या 900 बच्चे बैठे, 800 बच्चे बैठे, इसमें अगर मान लीजिए कि औसत 60 आ गया है, ठीक है, औसत यानी जब किसी के 40 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, किसी के 60 नंबर आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इनमें से आसान पेपर कौन सा होगा, क्योंकि इसमें भी 1000 बच्चे बैठे, इसमें भी 1000 बच्चे बैठे, इसमें भी 1000 बच्चे बैठे, तो इसमें जो 1000 बच्चे बैठे हैं इसमें औसत अंक 50 है, इसका मतलब क्या है कि ये पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हुआ है। समझ नहीं बात, कि ये पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हुआ है, इसमें 55 है, इसका मतलब ये उससे थोड़ा सा अच्छा पेपर है, इसमें 60 है, और मान के चलिए कि एक शिफ्ट होती है चौथी शिफ्ट, उसमें भी 1000 बच्चे बैठते हैं और इन 1000 बच्चों को मान लीजिए कि औसत अंक 70 आ जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये 1000 बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं और ये बहुत कम है, पूरे के पूरे 1000 बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता ये कि इसमें कहने का मतलब है कि पेपर आसान है, और पेपर जब आसान है तो इसका मतलब है कि हर एक बच्चा स्कोर अच्छा कर रहा है, प्रत्येक बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है ये काफी हार्ड है। अब ऐसा जिंदगी में लगभग आपको पता है कि 30 दिन पेपर चल रहे हैं और हर रोज 4 से 5 रुपए हो रही है, तो सभी जितने भी शिफ्ट है उनका क्या करेंगे, पहले औसत निकालेंगे, समझे, पहले क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे, फिर इनका औसत को जोड़ेंगे इसको। अब इन चारों के जो औसत रहेंगे इनको जोड़ेंगे 50 और 60 कितने, 110 और 70, 180 और 55, 180 और 55 225, ठीक है, 235 सॉरी, तो 235 जैसे ही हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे या 5 का, इससे मान लीजिए कि औसत आया लगभग मान के चलिए अगर औसत निकलता है 60 आ गया, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हर एक बच्चे के नंबर 10 प्लस कर दिए जाएंगे, इसमें हर एक बच्चे के माइनस सॉरी प्लस 10 5 कर दिए जाएंगे, और जिसमें 60 इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ज्यादा उसमें भी कुछ नहीं किया जाएगा। ये इस प्रकार से कॉमन औसत निकाल के नॉर्मलाइजेशन होता है कि जिस पेपर जिस शिफ्ट का हार्ड होता है उसमें क्या करेंगे, फिर अंक को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इसके बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा, नहीं, जो बाद में जो औसत आएगा उनका, पहले औसत हर एक शिफ्ट पर निकलेगा, फिर सारे शिफ्टों को मिला के और औसत निकालेंगे कि एवरेज कितना रह रहा है, यानी हर एक बच्चे का फिर उसमें आ जाएगा, इससे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। फिर इससे क्या होगा, अंक प्लस हो जाएंगे, हर एक बच्चे के जितने भी अंक प्लस होने वो उसके प्लस हो जाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को समान कर दिया जाएगा, अब मान के चलिए किसी बच्चे के 40 नंबर थे, किसी के 55 नंबर थे, किसी के 45 नंबर थे, किसी के 70 नंबर थे, तो इसमें क्या होगा, हर एक बच्चे के जैसे प्लस 10 हो गए, अगर शिफ्ट में प्लस तो इसके इसके बन गए 50, इसके बन गए 55, ऐसे ना कि सभी का बराबर होता है, इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन। अब ऐसा भी बोलते हैं कि पेपर अंतिम में हार्ड आएगा या पहले हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में कोई ऐसा लेवल नहीं होता कि अंतिम के पेपर हार्ड होते हैं या पहले के पेपर हार्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि ये बच्चों की धारणाएं होती है कि जब अंतिम में पेपर आते हैं तो हार्ड आते हैं, उनमें पढ़ने का समय ज्यादा मिल जाता है, तो कई बार बोलते हैं आसान आता है, शुरुआत में बोलते हैं तो पेपर शुरुआत में बहुत टफ आते, टफ नहीं आते, पेपर तो एक जैसा ही होता है,
पेपर एक पिच होता है, जिस प्रकार से मान के चलिए ये कुआ है, इसमें से पानी है, किसी भी समय निकालो सेम ही पानी देगा, उस प्रकार से पेपर बनता है। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो हार्ड होगा या इजी होगा। होता ये कि जैसे अंतिम में बच्चों को पढ़ने का समय ज्यादा मिल जाता है, शुरुआत वाले बच्चों को पढ़ने का समय कम मिलता है, तो जब उनका औसत अंक निकलता है नॉर्मलाइजेशन के लिए तो थोड़ा सा कम निकलने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाता है, यानी प्लस अंक हो जाते हैं। कई बार उसमें प्लस 10-10 भी हो गए हैं, ध्यान कर लेना, कई बार एक नंबर भी प्लस नहीं होता है, बिल्कुल जहां आपका स्कोर है उतना ही रहता है। तब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या माइनस भी होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो मैं बोलता हूँ माइनस नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि आपने 50 क्वेश्चन किए और आपके 100 नंबर आए, तो इसको 100 में बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा। क्या हो सकता है? बढ़ सकता है आपका लेकिन कम नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में माइनस नहीं हो सकता, प्लस हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मान के चले कि 400 रुपए, इसमें मान लो 100 आए, दूसरी जेपी में औसत अंक 50 आए, किसी में 60 आए, किसी में 70 आए, या किसी में मान के चलो ऐसे 80 आए, तो इनका 500 का कॉमन एक औसत निकालेंगे और फिर जिस जिसमें कम है उस औसत के बराबर लाने के लिए उसमें प्लस कर देंगे, यही नॉर्मलाइजेशन है। तो इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है पेपर पे डिपेंड करता है। मान के चलिए कोई ऐसी शिफ्ट आई जिसमें पेपर लकीली या अनलकीली बहुत हार्ड हो जाए, तो उन बच्चों की तैयारी तो थी लेकिन पेपर बहुत हार्ड आया, उनका स्कोर कम हुआ, तो उनको क्या होगा कि औसत अंक के कारण नॉर्मलाइजेशन से मान लीजिए कि प्लस 10 भी हो जाता है उससे ज्यादा। मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन भी कई बार, एक बार ऐसा भी हुआ है कि 100 में से 105 नंबर भी आए। क्यों आए? कि एक बच्चा था जिसके लगभग 90 के आसपास नंबर थे और कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था और इसलिए प्लस 15 हुए थे, तो इसके 90 प्लस 15 हुए तो 105 नंबर चले गए। ऐसा भी होता है और ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। समझे बात को? यही नॉर्मलाइजेशन है। अब किस पेपर में ज्यादा होगा सर, किसको नंबर कितना मिलेगा, इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन रहते हैं सर किसके नंबर ज्यादा। मैं आपको बताऊं जिसका पेपर हार्ड होगा ना, यानी सबसे मुश्किल जिस टाइप का पेपर होगा उसको फायदा होता है, जिनका पेपर मुश्किल होता है। और हाँ, ध्यान रखना, जिनका पेपर जितना हार्ड होता है उसको उतना ही फायदा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड पेपर में सिर्फ पढ़ने वाले बच्चा ही टारगेट कर पाता है, अच्छे नंबर ला पाता है और फिर उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा और हो जाता है, तो ये सबसे बेटर होता है। तो मुश्किल पेपर आना ज्यादा बेटर है, आसान पेपर आने की बजाय। जिसका पेपर हार्ड आता है वो खुश होना, दुखी मत होना कि पेपर हार्ड बहुत था, इसका मतलब है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के अंक अच्छे मिलेंगे और जब रिजल्ट आएगा तब। हाँ, एक और क्वेश्चन है सर, नॉर्मलाइजेशन के अंक शुरुआत में काम करते हैं या एंड में? शुरुआत में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अंतिम मेरिट में काम करते नहीं, जैसे ही आपके नंबर आएंगे फिजिकली के उसी समय वो ऐड हो जाएंगे, शुरुआत में पेपर में ही ऐड हो जाएंगे, जैसे पेपरों का आपके अंक बाहर आएंगे उसमें ऐड होके ही आएंगे, समझे, बाद में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।